आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको एक सामर्थ्य और शक्तिशाली समय प्रदान किया कि हम खुदा के सामर्थ्य और शक्तिशाली वचन को सुने। आज एक ऐसे विषय पे आप प्रचार सुनने जा रहे हो जो पारिवारिक विषय है, और जब पारिवारिक विषय के विषय में आज आप प्रचार को सुनोगे इस विषय के बारे में, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि शैतान ने आज पूरी तौर से जो है परिवार को ही खराब कर रखा है। क्योंकि शैतान का टारगेट जो है कलीसिया, तो शुरू से टारगेट है कलीसियाओं पे, तो अटैक्स करता ही करता है लगातार, लेकिन अब उसने क्या करा, और नज़दीक आ चुका है, अब वो सीधा परिवार पे अटैक करता है, वो परिवारों पे अटैक करता है और परिवारों को खराब करता है, भ्रष्ट करता है, जिसकी वजह से अगर परिवार में डिस्टर्बेंस होगी, परिवार का वातावरण बेकार होगा, खराब होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा, तो ना परिवार का व्यक्ति प्रार्थना कर पाएगा, ना बाइबल पढ़ पाएगा और ना ही प्रभु के साथ चल पाएगा। और परिवार में आशीष परमेश्वर कैसे देता है और परिवार से आशीष कैसे चली जाती हैं, इसके विषय में भी आज के प्रचार के माध्यम से आप सीखोगे और बहुत कुछ आप जानोगे। तो आज के प्रचार के बुनियाद डालेंगे एक वचन से, नीति वचन की पुस्तक हम लोग खोलेंगे, उसके अध्याय 12 उसके पद हम लोग 4 को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। ध्यान से मेरी ओर देखे सब लोग, जैसे एक राजा होता है, राजा की पहचान उसके मुकुट से होती है, उसके क्राउन से होती है। अगर उसके सर पे मुकुट है तो पहचान है कि वो राजा है, वो एक राजा है। उसके सर पे अगर मुकुट नहीं है तो कोई भी उसको राजा के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि राज्य अभिषेक करने के लिए, किसी राज्य के ऊपर राजा उसको घोषित करने के लिए, उसको अपॉइंट करने के लिए एक राज मुकुट रखा जाता है, और वो मुकुट इस बात की पहचान है, इस बात का साइन है कि ये राजा है, ये राजा है, ये अधिकारी है। वैसी बोला गया भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, वैसी एक भली स्त्री जो धार्मिकता का काम करती है, धार्मिकता का जीवन जीती है, परमेश्वर के साथ चलती है, वो अपने पति का मुकुट है और उसकी पत्नी की वजह से उसका आदर किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी पत्नी जो है भली है तो उसकी वजह से ही आपका आदर किया जाएगा, आपकी पत्नी की वजह से। और भली पत्नी तो यहोवा की ओर से मिलती है, ऐसे तो मिल ही नहीं सकती, ऐसे तो ढूंढने चले जाओ नहीं मिलेगी, लेकिन एक भली पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है, ये परमेश्वर की ओर से मिलती है। और लिखा है जिसने शादी कर ली, विवाह कर लिया, उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया है। विवाह करना एक बड़ी आनंद और खुशी की बात है, और इस बात को हमें समझने की जरूरत है। एक भली पत्नी जो है वो केवल यहोवा की ओर से मिल सकती है, केवल यहोवा की ओर से। हम ढूंढेंगे हमें नहीं मिलेगी, लेकिन अगर परमेश्वर हमें एक भली पत्नी देगा तो हमें मिल जाएगी। तो हमें पत्नी पाने के लिए प्रार्थना किससे करनी है? जिनकी शादी नहीं हुई उनको प्रार्थना करनी है, केवल जिनकी शादी हो गई है अब परिवार का हिस्सा और परिवार का जीवन उन्हीं के साथ जीना है, ध्यान रख लेना। इसीलिए जिनकी शादी नहीं हुई उनको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, एक भली पत्नी उनको मिले, एक भला पति उनको मिले परमेश्वर की ओर से, और यहोवा ही देता है। इसीलिए जब एक पत्नी धार्मिकता का जीवन जीती है, परमेश्वर के साथ पूरी तौर से पवित्रता में चलती है, तो उसकी वजह से उसके पति का आदर होता है। हालेलुया, उसकी पत्नी की वजह से उसके पति का आदर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो लगातार परिश्रम कर रही है आत्मिक जीवन के लिए, परिवार को संभाल रही है, समाज में अच्छा व्यवहार कर रही है, और उसकी वजह से उसके पति का आदर हो रहा है, और उसकी आत्मिक और धार्मिकता के जीवन की वजह से वो जा रही है और परमेश्वर से अपने पति के लिए आशीष लेके आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। हमने नीति वचन 31 को जब लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, हमने उसके विषय में जब प्रचार को सुना था, तो मैंने बताया था एक भली पत्नी जो होती है, एक आदर्श पत्नी जो होती है, वो परमेश्वर से अपने पति और अपने परिवार के लिए आशीष को लेकर आती है, लेकर आती है। वैसी एक भली पत्नी जब आप पूरी तौर से भलाई का जीवन जियोगे, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जियोगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा आपके पति को आदर दिलवाएगा। हालेलुया, आपकी वजह से उसको आदर मिलेगा, आपकी वजह से उसको सम्मान मिलेगा। जैसे अगर राजा के सर पे अगर मुकुट नहीं तो कोई भी उसको राजा के रूप में स्वीकार करेगा ही नहीं। उसका मुकुट इस बात का साइन है, इस बात का प्रतीक है कि ये एक राजा है, एक किंग है। वैसी वो पत्नी जो है वो इस बात का साइन है, वो चिन्ह है कि ये पत्नी जो है अपने पति के लिए एक आदर का कारण है, एक ब्लेसिंग का कारण है, क्योंकि पत्नी की वजह से उसके पति को ही आदर मिल सकता है, एक पत्नी की वजह से उसका पति आगे बढ़ सकता है। कई बार देखने में आता है, कई लोग कहते हैं कि इसने विवाह किया, विवाह करते इसकी जिंदगी बदल गई पूरी तौर से,
इसकी जिंदगी बदल गई। लोग कहते हैं मेरे देखते देखते जब तक इसने शादी नहीं करी थी इसका जीवन साधारण था, लेकिन जैसे ही इसने विवाह किया इसका जीवन बदलता ही चला गया। ये उठता उठता और उठता ही चला गया, ये उन्नत होता 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 ही चला गया। और परिवार के लोग कहते हैं कि जब से इसकी शादी हुई है, इसकी पत्नी आई है, इसकी जिंदगी बदल गई है, जिंदगी बदल गई है। जैसे एक पिता अपनी जब बेटी का विवाह करता है तो दहेज देता है, भारत में ये प्रथा है कि जब विवाह होता है तो दहेज दिया जाता है। यहूदियों में जब विवाह होता है तो लड़के के पिता बल्कि लड़की के घर वालों को देते हैं। यहाँ तो उल्टा रिवाज है, यहाँ पर उल्टा रिवाज है, यहाँ तो दहेज लिया जाता है। घर वाले तैयारी में रहते हैं कि पलंग नहीं लेंगे, सोफा नहीं लेंगे, टेबल नहीं लेंगे, विवाह में मिलेगा ना, वो इंतजार में होते हैं, क्योंकि भारत में यही चलता है, भारत की यही प्रथा है। लेकिन जो वो दहेज में सामान मिलता है वो थोड़े दिन तक नया रहता है, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है। लेकिन उसका पिता जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग पिता, जो उसका परमेश्वर उसका पिता है, वो आशीष देता ही देता है, वो दहेज देता रहता है, लेता रहे लेता रहे लेता रहे, वो देता रहता है अपनी बेटी को ब्लेसिंग देता रहता है। क्यों? उसके धार्मिकता के जीवन की वजह से। हालेलुया। संसारिक पिता का सामान जो सोफा सेट है, जो डाइनिंग टेबल है, जो पलंग है, ड्रेसिंग टेबल है, और जितना भी सामान मिलता है वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। लेकिन जो स्वर्गीय पिता है, उसका स्वर्गीय बाप है, जब वो दहेज देता है वो सामान मिलता मिलता और मिलता ही जाता है, और वो नया नया और नया ही होता है। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर की आशीष होती है। इसीलिए जब एक भली पत्नी आती है तो घर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव, एक जिंदगी बदल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। कितने ऐसे मसीह परिवार मैं खुद जानता हूं, जब तक विवाह नहीं था जीवन साधारण था, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। जमीन नहीं थी, जमीन ले ली, एक जमीन ली रहने के लिए, दो जमीन ली, तीन जमीन ली, घर नहीं था अच्छा, घर बना लिया, बहुत अच्छा घर बनता चला गया, अच्छा बिजनेस नहीं थे, कई सारे बिजनेसेस खुल गए, आत्मिक जीवन अच्छा हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया एक पत्नी के आने की वजह से। एक दुनिया में कहावत है, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बात सत्य है। आज जितनी महिलाएं हैं वो इस बात को जान ले, उनकी वजह से उनके पति ब्लस्ट होंगे, ऊंचाइयों पे जाएंगे उनकी वजह से, और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे पति को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लोग दूर से कहेंगे अरे ये तो रेनू का पति है, बहन रेनू का पति है, ये तो भाई बहुत अच्छी महिला है, इनके पति का भाई आदर करो। सब बोलेंगे नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। वो आप लोगों की वजह से, महिलाओं की वजह से आपके पतियों को आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए जितनी भी पत्नियां हैं या जितनी भी महिलाएं हैं, जवान लड़कियां हैं जो विवाह उनका आगे होने जा रहा है, वो इस बात को सीख लें कि आपको जीवन ऐसा जीना है जिसकी वजह से आपको आदर और सम्मान अपने पति को दिलाना है। आप उसके सर का क्राउन हो, आप क्राउन हो, जब तक आप उसके सर पे हो उसका आदर होगा, और जैसे ही क्राउन उतर गया वैसे ही आदर नहीं। उतर गया सर से क्राउन उतर गया तो आदर उतर गया। एक राजा के सर से जब मुकुट हटा दिया जाता है, वो क्राउन हटा दिया जाता है, तो वो राजा नहीं कहलाता। जब तक उसके सर पे वो राजदंड का अधिकार होता है, वो मुकुट वो क्राउन, जब तक वो राजा कहलाता है। वैसी एक भली पत्नी की वजह से उसके पति का आदर होता है। ध्यान रखना, जो पत्नी विवाह में तुम्हें मिलेगी अगर वो परमेश्वर की ओर से है, उसका भलाई का जीवन है, धार्मिकता का जीवन है, तो तुम्हारे घर में आएगी तो तुम्हारे घर में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत आएगी, बहुत बरकत आएगी, और तुम हैरान हो जाओगे कि मेरे विवाह से पहले मेरा जीवन कैसा था और मेरे विवाह के बाद मेरा जीवन कैसा हो गया है। एक भली पत्नी की पहचान है, जब भली पत्नी आती है तो परमेश्वर से आशीष लेके आती है। उसके थोड़े से सामान को मत देखना कि थोड़ा सा ही सामान लेके आई है, नहीं, उसके पीछे देखना, अभी उसका स्वर्ग के बाप जिंदा है। उसके संसारिक पिता की सामर्थ्य नहीं थी इसलिए बहुत अधिक तुम्हें सामान नहीं दे पाया, लेकिन उसका स्वर्ग के बाप जिंदा है। जब वो दहेज देगा तुम्हारे पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी। वो इतना महान परमेश्वर है, इतना सामान देगा, इतना सामान देगा कि तुम प्रभु का धन्यवाद करोगे। आप क्या करोगे? उन सामान में से खुद आप दूसरों को दोगे कि मैं उसको दे देता हूं, उसको दे देता हूं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सामान हो गया। ऐसी आशीष खुदा देता है, ऐसी बरकत देता है।